नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। थाना जलालपुर क्षेत्र के पुरैनी गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान जितेंद्र ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक प्रधान के पिता के अनुसार जितेंद्र अपने हाथ में एक तमंचे को लिए हुए घूम रहा था। जितेंद्र जब चल रहा था उस दौरान उसका पैर जमीन से टकरा गया था, जिससे जितेंद्र जमीन पर गिर गया, जिसके चलते लोड तमंचे से फायर हो गया और प्रधान जितेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने पूरे मामले पर एसपी श्लोक कुमार से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना जलालपुर क्षेत्र में पुरैनी गांव पड़ता है, वहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं, आज सुबह सूचना मिली कि उनके एक्सीडेंटल फायर में उनके गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ये मालूम चला कि प्रधान के पास खुद एक अवैध असला था, तमंचा था, जिससे कि एक्सीडेंटल फायर होने से उसकी मौत हो गई है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है।